योगी सरकार जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए दिन रात कार्य कर रही है, उसके बावजूद निचले स्तर पर लापरवाही के चलते आम जनता परेशान है। इस परेशानी के संबंध में बुधवार को सुदामापुर की महिलाएं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र जनसंपर्क कार्यालय पहुंची और विधायक कैंट और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। महिलाओं को विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने जलकल विभाग को संबोधित लेटर लिख के समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र जनसंपर्क पहुंची सुदामापुर की रहने वाली सावित्री देवी ने बताया कि पिछले 7 महीनों से हमारे यहां सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, साथ ही पेयजल भी दूषित आ रहा है। हमने जब इस संबंध में स्थानीय पार्षद से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि हमको वोट नहीं मिला इसलिए काम नहीं होगा। इस पर आज हम लोग यहाँ आए हैं और कैंट विधायक से बातचीत की तो उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख कर जलकल अधिकारी को दिया है। सावित्री वर्मा सुदामापुर विनायका से भी आए हैं। आज कहाँ आए थे? आज मोदी जी के कार्यालय आए थे। तो किससे मुलाकात हुई आपको? अभी तो भैया सौरभ श्रीवास्तव से हमने बात किया है, उन्होंने लिख के दिया कि आप जाइए जलकर विभाग, आपके काम हो जाए। कितने महीने से समस्या? अरे ये तो समस्या 7-8 महीने से भैया है। हम लोग पानी भी बहुत गंदा पी रहे हैं और नाला भी बह रहा है, एकदम इतना बदबू आ रहा है कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री भी आए थे, उनसे आपने मिला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हो जाएगा, आश्वासन दिया कि हो जाएगा। क्या कारण लगता है कि वहाँ का सभासद भी भाजपा का है? भाजपा का है भैया, भाजपा वाले तो कोई लोग नहीं आते हैं। वो बोलते हैं सौरभ सिर्फ वो सिर्फ विनोद भारद्वाज की मैंने वोट नहीं पाया है। तो बताइए वोट नहीं पाए ये तो जीते कहाँ से? जी अपना नाम बता दीजिए। मनवासी यादव। कहाँ से आए हैं मनवासी? सुदामापुर विनायका में से। क्या समस्या है? समस्या है भैया कि मेरी गली का एकदम मनोहोल बैठ गया है, भस्त हो गया है। और जा तो सफाई कराला सफाई नहीं कर सकते हैं। और जो सट्टी में सभासद भए हैं वो कहला कि हम मोटा ना पौले, या जिंदगी बीत गई जब से देवाल लक भैली तब से हमारे कुल परिवार भाजपा के वोट दिला। आज किसी मुलाकात की है? मुलाकात किसी की है? मुलाकात करे भैया, अब काम हो जाए तब ना। क्या वो उनसे क्या बातचीत हुई है? क्या हाँ बातचीत भाई लिया संजय से। क्या बोले हैं तब वो? कहला कि हो जाए दादी, तू तो कहियो हमके दिखाते ही ना हो, हमका हेता तला दूध देता ही तो दिखा था लिया, अब डोली ना पाईला पैर से, हम बहुत परेशानी है। अभी एक मंत्री जी आए थे, उनसे आपने वार्तालाप की, उन्होंने क्या आश्वासन? कला हो जाए दादी यही कला। कितने महीनों से तनको मत घुबरा? 6 महीना साल भर से पानी लियो का बहुत था, जो घर में चापा वो का पानी एकदम पखाना के तरह, मन के बड़ी दिक्कत थी। कितने परिवार इससे प्रभावित है? कितने परिवार? कितने लोगों को समस्या है? सब कोई आयल हमारे साथ ही पोता है, सब ई कुल आयल हुआ, वो गली का पूरा आदमी आयल हुआ, एक आधा को बाहर गल बनाल था ना। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।